स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से एक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेनली रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि ये एक प्रश्न इसमें आता ही आता है। और देखो काफ़ी आसान टॉपिक होता है, अगर इससे आप प्रश्न छोड़ते हो तो दिक्कत है, ठीक ना। ये मीन्स फ्री में एक नंबर आ जाना, इसे कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक के कुछ प्रश्न हैं उसको देखते हैं। देखो पहले करते हैं हम माध्य से। माध्य को आप समझो एवरेज, मतलब औसत। तो औसत तो आता ही होगा, आप इसको आसानी से बना पाओगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्रश्न लेके हम प्रश्न हमने लिख लिया 2, 3, 4, 5, 7 का माध्य निकाले। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबको जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, और नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो या तो इस फॉर्म में होगा, नहीं तो 5.2 लिखा होगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो माध्य अलग अलग टाइप का भी होता है, श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, तो उतना हमको डीप में यहाँ पे नहीं पढ़ना होता है। आप इसको आसानी से ऐसे सॉल्व करोगे, बन जाएगा। चलो एक प्रश्न आप लोग पहले सॉल्व करके बताना हमको। जैसे कि 7, 8, 6, 4 दिया गया है का माध्य क्या होगा, ठीक ना। माध्य क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बैक क्या कर देंगे, 1, 2, 3, 4 सबको ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा। अच्छा एक इसमें समझना क्या है, देख लो। जैसे अगर कोई लगातार संख्या दे दे, मान लो 1 से लेके 3, 4 कोई संख्या मान लो 99 तक दे दे और बोल दे इसका आपको माध्य निकालना है, ठीक ना। माध्य निकालना है तो ऐसा नहीं कि आपको सबको जोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को ऐड करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या हो, श्रेणी क्रम में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा हो। ऐसा नहीं कि पहले 4 दे दिया, पहले फिर 2 दे दिया, तो आप क्या करोगे, अरेंज कर लोगे, ठीक ना। तब क्या करना है हमको, 1 और 99 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड दे दो, मतलब 100/2 50 क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे श्रेणी दिया हो, कोई डिजिट मिस ना हो, तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो। उम्मीद करते हैं माध्य आपका क्लियर हो गया होगा। माध्य को क्या समझना है आपको, एवरेज ही समझना है। इसमें क्या करना होता है, माध्य का निकालना है। मैंने ये प्रश्न ले लिया है, 2, 4, 6, 8, 7 दिया गया है, इसमें माध्य का निकालना है। तो देखो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लो, मीन्स बढ़ते क्रम में। तो 2, 4, 6, 7, 8 हो जाएगा, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। उसके बाद काउंट करो ये सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। तो विषम में क्या करना है, दोनों साइड से एक एक डिजिट को एलिमिनेट करो, ये कट गया, फिर ये कट गया, क्या बच गया, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 6 क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया। एक प्रश्न इसमें आएगा कि विषम नहीं देके आपको सम दे देगा, जैसे कि कुछ ऐसे ही डिजिट रख लो, 4, 6, 8, 10, 12 रख दिया, यहाँ पे क्या हो गया, सम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे आपको अगर माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए, तो पहले तो आपको ये देखोगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स बढ़ते क्रम में है, तो हाँ है बढ़ते क्रम में। दोनों साइड से काटो, ये काट लो, बच के 2 डिजिट यहाँ पे। अब तो इस दोनों क्या करना, ऐड कर लेना, 6 प्लस 8 ऐड कर लो, और 2 डिजिट है, 2 से डिवाइड कर लेना, मतलब 6 7 14/2 आंसर क्या हो जाएगा, 7। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब एक दो प्रश्न बनाना सेट से ही या जहाँ से भी बनाते हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है लास्ट आपका बहुलक। बहुलक मतलब होता है जो डिजिट रिपीटेड हो, सबसे अधिक बार रिपीट हो गया होगा ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि कोई संख्या मैंने लिख लिया 2, 4, 3, 7, 8, 2, 6, 9, इसमें अधिक डिजिट दिया जाएगा, मेनली आपको ऐसा लिख दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, इसका बहुलक निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मीन्स आप एक जगह सबको अरेंज भी कर सकते हो, नहीं तो देखो क्या करना होगा आपको, 2 और कहीं पे है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 कितने बार आ गया, 3 बार। 3 कितने बार आ गया, 1, 2 ही बार आई है, और सब डिजिट उससे भी कम है। तो जो अधिक टाइम रिपीटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 क्या है, अधिक टाइम रिपीटेड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, चलो एक प्रश्न इसका और देख लो। जैसे कि 1, 7, 18, 24, 26, 1, 7,
सेवन ऐसा दे दिया। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार रिपीटेड कौन है, सेवन क्या है, तीन बार रिपीटेड कर दिया मैंने, तो सेवन ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर यहाँ से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।